हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर प्रोस्पेक्टेड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारत का संवैधानिक विकास, पहला क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की विधि निर्माता का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित है? आंसर हो जाएगा सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के चार सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? आंसर हो जाएगा फिलिप, फ्रांसीसी, क्लूवेरिंग, मानसन तथा वर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? आंसर हो जाएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व के वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा 1793 के राजलेख के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 1813 का राजलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस देने का अधिकार किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का प्रमुख सेनापति होना अनिवार्य था? आंसर हो जाएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध शक्ति किसमें निहित थी? आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल के 24 सदस्यीय परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर हो जाएगा 4 सदस्य मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सदस्यीय नियंत्रण के प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में एल्गो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? आंसर हो जाएगा इल्वर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद की स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजलेखा द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 1813 के राजलेखा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1833 के राजलेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के शासन के केंद्रीयकरण के प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के शासन के केंद्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा 1833 के राजलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 में इस पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक द्वारा, एक्ट था शारदा एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम।